हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे ITI का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, उस पर टाइप करेंगे NCVT MIS और पहले ही लिंक पर जो NCVT MIS का पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे। जैसे हमारा वेबसाइट खुलता है आगे बढ़ेंगे। ओके, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, जल्द खुल जाएगा। ओके दोस्तों, अभी हम ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे। अब ट्रेनिंग प्रोफाइल पर, उसके बाद फिर से हमारा एक नया पेज खुल कर आएगा। अभी हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो आपको रोल नंबर मिला है प्रैक्टिकल या ड्राइंग के दौरान उसमें लिखना है कैपिटल R और 00 को हटा करके बाकी रोल नंबर टाइप कर देना है। अपना रोल नंबर टाइप करते हैं। ओके, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप मिस नहीं करूँगा। आप भी एक स्टेप मिस मत करना ताकि कहीं भी आप भटक नहीं ना पाए, इसलिए पूरा हम करके दिखा रहे हैं आपको। आप पिताजी का नाम डाल देंगे, फादर्स नेम जो भी हो, अपना डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा कोड डालते हैं। कैप्चा कोड कैप्चा कोड डालने के बाद रिमेंबर मी और उसके बाद सबमिट। फिर एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें नीचे लिखा होगा प्रिंट सर्टिफिकेट। प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज खुल कर आएगा जहां पर आपका होगा एडमिट कार्ड, जो आपका होगा हॉल टिकट। हॉल टिकट डाउनलोड करें स्वयं अपने हाथों से और चेक करें कि हमारा रोल नंबर है कि नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टीच विथ राहुल कुमार, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यह रहा मेरा एडमिट कार्ड, बस एक मिनट में शो होने वाला है ये आ गया।